দাদা আপনার নাম? আমার নাম রুখু। আচ্ছা, কেন লোকেশন কোথায় আছে? লোকেশনটা হাওড়া আন্দুল। হাওড়া আন্দুল। আচ্ছা, কেউ যদি হাওড়া থেকে যদি আসতে চায় আন্দুলে কিভাবে আসবে? হাওড়া আন্দুলে আসতে চায় ট্রেনে ডাইরেক্ট মুড়িগ্রাম স্টেশনে নামবে, ওখান থেকে নেমে মিলবাজার, মিলবাজার থেকে সামান্য একটুখানি হাঁটলে বাস বোম্বাই আমার সাথে থাকে, তাকে ফোন করলে আরামসে চলে আসে। আর কেউ যদি ডানলপ থেকে যদি আসে মানে বেলঘড়িয়া থেকে আর কি, ডানলপ বেলঘড়িয়া থেকে যদি আসতে চায় তাহলে কোনা হাইওয়ের ওপর দিয়ে বাস ধরে অঙ্কুরারি চেকপোস্ট নামবে, ওখান থেকে টোটো ধরবে, ফটির বাজার নামবে, ফটির বাজার থেকে 2-5 মিনিট হাঁটবে। दादा इधर जो मछली है, मछली का नाम क्या है? इसका नाम है कैलिको रैंचू। अच्छा, ये देख लो, ये पूरा इम्पोर्टेड आइटम है। इसका ब्रीडिंग यहाँ का ही है, इसका जो ब्रूडर था अच्छा वो इम्पोर्टेड था। तो ये मछली का नाम क्या है? ये शॉर्ट बॉडी शॉर्टेल ओरेना। अच्छा, शॉर्ट बॉडी रोस्टेल है ये। इधर सब सब शॉर्ट बॉडी रोस्टेल है ना? हाँ हाँ, शॉर्ट बॉडी रोस्टेल है। अच्छा दादा, ये टैंक पे जो मछली है, ये मछली का नाम क्या है? ये एक्चुअली ट्राइकलर ओरेना का ब्रीड है। अच्छा, अभी तक सब मछली में कलर नहीं आया है, छोटा है ना। अच्छा अच्छा, इसका अंदर से दे रहा है, जो कलरफुल है वो देख देख के दे रहा है। ये बटरफ्लाई के ऊपर है।
देखो ब्लैक और अंडा है। ये एक्चुअली ट्राई कलर और अंडा है। ये ट्राई कलर और अंडा? हाँ। अच्छा, वो जो तभी दिखा रहा था ना, हाँ, ये ट्राई कलर और अंडा है। ये मछली का साइज बस इतना ही था? नहीं, ये थोड़ा बड़ा है। ये ब्रीडिंग के लिए कुछ रखा हुआ है अभी। अच्छा, तक अच्छा सिलेक्ट नहीं किया। तो बहुत वैरायटी होता है, एक एक मछली अलग अलग दिखता है। एकदम बफालो हेड है, देखिए इसका, देखिए जैसा हेड अलग से बिठा गया है। देखिए कलेक्शन, देखिए ये रुकिन का कलेक्शन, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रुकिन का कलेक्शन है इधर। ये देखिए बड़ा साइज का औरंडा भी है दोस्तों इधर। औरंडा भी मिल जाएगा। ये देखिए औरंडा कितना गिरेगा दादा प्राइस? रेड एंड व्हाइट लाइन हेड देखिए एक बार, इतना बढ़िया क्वालिटी का रेट कैप है, एक बार देखिए दोस्तों। ये और एक महीना लगेगा बुडर होने में। अच्छा, वाई कलर भी है, वाई कलर ट्राई कलर दोनों ही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो आज आ गए और एक नया वीडियो लेके बागनान में। वीडियो का टॉपिक है दोस्तों फिश फार्म का ऊपर। इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे गोल्डफिश का बहुत सारे कलेक्शन। आपका नाम? सायन मन्ना। अच्छा, लोकेशन क्या है? लोकेशन हावड़ा, हावड़ा से बागनान, बागनान से शैमपुर, बागनान से शैमपुर। तो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्वालिटी का ट्राई कलर और अंडा है इधर। बोल का अंदर में रख रहा है क्योंकि अच्छा लगेगा आप लोगों को देखने में। देखिए देखिए इंच क्या है दादा? साढ़े तीन इंच। साढ़े तीन इंच हो जाएगा, साढ़े तीन इंच साइज है। देखिए एक बार पूछ लेके ना, टेल लेके, टेल लेके ही देखिए। वाह क्वालिटी देखिए दोस्तों एक बार। इसका जो हेड देखिए, हेड और भी बढ़ेगा ना? और भी बढ़ेगा, और भी बढ़ेगा। और तो इसका उम्र बहुत कम है। कितना हुआ? ये 8 महीने, 8 महीने का। देखिए हेड देखिए दोस्तों, वाह। कलर देखिए इसका, कलर भी देखिए आप लोग। ये रिटेल होलसेल दोनों में मिल जाएगा क्या? हाँ, दोनों में ही मिल जाएगा, दोनों में ही मिल जाएगा। कितना पड़ेगा, कितना गिरेगा ये प्राइस? 500 रुपये से स्टार्ट करके 13,000 तक है इधर, इसी टैंक में। इसी टैंक में 500 रुपये से दोस्तों 13,000 तक है इधर। बड़ा साइज भी मिल जाएगा। अच्छा, सब बड़ा साइज भी मिल जाएगा, बड़ा साइज भी मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों सब बड़ा साइज का ट्राई कलर मिल जाएगा, 5 इंच करीब हो जाएगा ना। ये 13,000 का अंदर में ही हो जाएगा ना? हाँ, ये 1,000 रुपया। मेल फीमेल अवेलेबल है ना? अवेलेबल है, मतलब ब्रूडर साइज, ब्रूडर साइज। अच्छा, रेडी ब्रूडर है। देखिए रोस्टल और अंडा भी है। रोस्टल भी है इसमें, रोस्टल भी है। देखिए ये रोस्टल है, देखिए ऊपर उठा के दिखाइए एक बार।
रोस्ट है उपल उठाने से तो पता नहीं। अच्छा अच्छा एक काम कर रहे हैं। हाँ ये देखिए दोस्तों तेल देखिए एक बार रोस्टेल और अंडा है ठीक है बहुत सारा मिल जाएगा। ओके वाई कलर भी है वाई कलर ट्राई कलर दोनों ही मिल जाएगा वाई कलर का रेट कम है वाई कलर का आपका मिल जाएगा राइसो में मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं तो ये वाला टैंक में कौन सा मछली है दादा ये वाला टैंक में भी आपका ट्राई कलर और बाई कलर सब रोस्टेल सब मिल जाएगा साइज थोड़ा डाउन है डाउन है। अच्छा ये और एक महीना लगेगा बुडर होने में। अच्छा ये इसका रेट थोड़ा कम है रेट थोड़ा सा कम है रेट थोड़ा कम है ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये देखिए रोस्टेल एकदम ये भी पता चल जाएगा टेल देखिए देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का रोस्टेल है देखिए एक बार और छोटा वाला पंडा दिखाइए वो वाला हाँ ये देखिए पंडा गोल्डफिश का कलेक्शन देखिए ये वाला क्या गिरेगा ये पंडा का प्राइस वो आपका 300 रुपया 300 रुपये में मिल जाएगा। इंच क्या है आपका इंच एक अढ़ाई इंच हो जाएगा ठीक है। ओके और भी है पूरा मछली का भंडार है देखिए एक बार ट्राई कलर का पंडा में बहुत कलेक्शन मिल जाएगा आपका देखिए और भी पंडा में बढ़िया बढ़िया पंडा में कलेक्शन है रोस्टेल भी है पंडा में और कलेक्शन प्रिंट भी एकदम एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रिंट है। क्या ब्रीडिंग करते हैं हाँ ब्रीडिंग करते हैं आपका फ्राई भी मिल जाएगा ट्राई कलर का लेकिन अभी एक डेढ़ महीना बाद ठीक है। अच्छा डेढ़ महीना बाद ये देखिए सब मिक्स्ड है इधर। ओके इसको एक बार हाथ से दिखाओ बस ये देखिए कलेक्शन बोलो तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है दोस्तों जिसको जो लगेगा कॉल करिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉलिंग नंबर मिल जाएगा और डिस्प्ले में भी मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों तीसरा टैंक ये देखिए बाबूलाई गोल्डफिश आप लोग बोल रहे हैं कि बाबूलाई का वीडियो बनाने के लिए बाबूलाई मिल गया दादा का पास आपका लड़का का बिजनेस है ना हाँ। ये देखिए और भी बाबूलाई है बाबूलाई ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा टाइम में मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा मार्च महीने से मिल जाएगा मार्च ठीक है और भी ये देखिए भैया ने पकड़ के उठाए दो हाथों से देखिए कितना अच्छा लग रहा है धूप पड़ रहा है और शाइनिंग भी कर रहा है एक बार देखिए आप लोग वाह ठीक है। ना ये तो नॉर्मल क्वालिटी नहीं है इंपोर्टेड क्वालिटी है हाँ इसका हेड तो बहुत ही बढ़िया है और छोटा वाला भी नॉर्मल क्वालिटी का नहीं है वो भी ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो भी है सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही है ना ये एक बार आप लोग ये भी सेलिंग के लिए है ना ये भी सेलिंग के लिए है कुछ कुछ लोगों को सेलिंग के लिए छोटा चाहिए था जाम्बो साइज का मछली देखिए एक बार पूरा पीच मतलब रास्ता का जो पीच होते है उसका ही जैसा लग रहा है एक बार देखिए दोस्तों बाबूलाई गोल्ड देखिए ओनली बाबूलाई नाम है क्या कैलिको बाबूलाई नाम है आग का ऊपर डॉटेड है दो कितना अच्छा लग रहा है देखिए ये देखिए दोस्तों ये सब सेलिंग के लिए है ना दादा सब सेलिंग के लिए। ओके इसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस बोलेंगे क्या 25 ओके सब सेलिंग है सेलिंग के लिए ना सेलिंग इट इज नॉट फॉर सेल ओ ये सेलिंग के लिए दोस्तों नहीं है वाह
पूरा शांत है, देखिए मछली सब। सेलिंग के लिए है दादा, सेलिंग के लिए है। ये देखिए दोस्तों, वाह चेहरा देखिए एक बार मछली का, और हेड भी देखिए। सेलिंग के लिए है दादा, सेलिंग के लिए है दोस्त। देखिए वाह, कैलिको ब्लैक रेड, कैलिको ब्लैक एंड रेड, कैलिको अंडर गोल्ड फिश। ये देखिए, ये है ट्राई कलर मछली। ये देखिए छोटा बड़ा सब मिला जुला के है इधर। ये देखिए कितना बढ़िया है, देखिए एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश और आप लोग देख रहे हैं दोस्तों आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज आ गए और एक नया वीडियो लेके बाप्पा दा का पास, और लेटेस्ट क्वालिटी का गोल्डफिश का ऊपर वीडियो लेके आए। तो आप लोग देख ही पाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से बहुत सारा गोल्डफिश का कलेक्शन, यूनिक वाला कलेक्शन आप लोग देख पाएंगे। और उनका साथ थोड़ा परिचय कर लेते हैं बाप्पा दा का साथ। आपका पूरा नाम बताइए। बाप्पा जितना उसका। लोकेशन डोमजूर विपन्नपाड़ा। ओके, डोमजूर विपन्नपाड़ा। हाँ, राजवंशीपाड़ा बोल लो है, पूर्व जोड़ा थाम बोल लो। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी पकड़ रहा है बाप्पा दा लायोनेट, इम्पोर्टेड वाला लायोनेट है। सब इम्पोर्टेड है ना, इम्पोर्टेड लायोनेट है। इंच क्या है सब मछली का, साइज क्या है? 4 इंच। 4 इंच हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए वाह, कितना बढ़िया। 5 इंच, 4-5 इंच हो जाएगा, मतलब 5 इंच पास है इधर। ये देखिए क्वालिटी देखिए, प्राइस रेट पता चल जाएगा? प्राइस रेट दोस्तों मेंशन नहीं होगा, अगर किसी को किसी ने कॉल करेंगे तो बोल देंगे प्राइस रेट। ओके, ये मछली वगैरह का खाना क्या है? खाना फोका, फोका। देखिए ये टैंक में है सब लायन हेड, बाफेलो आई लायन हेड। ठीक है, ये देखिए कितना बढ़िया क्वालिटी का मछली है। आपका पास काउडेंचो मिलेगा? काउडेंचो ना, कैलिको रेंचो। देखिए एक बार क्वालिटी देखिए, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का रेंचो है इधर। एक पीस और उठा के दिखाइए। ये देखिए ये 5 इंच हो जाएगा, हो जाएगा 5 इंच हो जाएगा। इसका खाना देने का टाइम क्या है? दोपहर। हाँ दोपहर है, दोपहर लंच के टाइम। अच्छा अच्छा, पहर में खाना देते हैं दादा। ये मछली सेलिंग के लिए है क्या? सेलिंग के लिए है अभी दोस्तों। ये देखिए कितना बढ़िया है, देखिए एक बार क्वालिटी का सब मछली मिलेगा बप्पा दा का पास। ये देखिए छोटा बड़ा सब मिला जुला के है इधर। छोटा साइज का उठाइए। हाँ ये देखिए कैलिको रुई किन, वाह। अरे नॉर्मल रुई की नहीं क्या? ये नॉर्मल रुई की नहीं, लॉन्ग टेल, लॉन्ग टेल। बहुत अच्छा नाम है, पॉम पॉम गोल्डफिश। देखिए आँख का ऊपर डॉटेड है दो, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। तो पॉम पॉम गोल्डफिश का साथ बबेला भी गोल्डफिश है इधर, बबेलाई गोल्ड। देखिए ओनली बबेलाई नाम है क्या? कैलिको बबेलाई नाम है। सेलिंग के लिए है दादा? हाँ सेलिंग, सेलिंग के लिए है। हेड देखिए मछली का, वाह पूरा शांत है देखिए मछली सब। सेलिंग के लिए है दादा? सेलिंग के लिए है।
ये आपका ब्रूडर है क्या? बाप रे, जंबो साइज का मछली देखिए एक बार, पूरा पीच, मतलब रास्ता का जो पीच होते है उसका ही जैसा लग रहा है। एक बार देखिए दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है, सब सेलिंग के लिए है। ये देखिए हेड, इसका हेड देखिए, एज क्या है सब मछली का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड फिट्स यूट्यूब चैनल। तो फिर से आ गए और एक नया वीडियो लेकर आप सभी का सामने, विराटी को। तो ये जो खड़ा है उनका दादा है, उनका साथ परिचय कर लेते हैं। तो दादा आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। और नमस्ते और दादा, आपको भी नमस्ते और सभी व्यूअर्स को नमस्ते, सब अच्छे रहेंगे यही मेरा शुभकामना है। और दादा आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य बैनर्जी है। और लोकेशन? ये लोकेशन अगर मान लीजिए आप शियालदा से आ रहे हैं तो आप दोनों जगह पे आ सकते हैं, दुर्गा नगर भी आ सकते हैं, बिराटी रेलवे स्टेशन पे भी आ सकते हैं। अच्छा। दोनों यहाँ पे जो है वो सभी के सभी सोगुन ब्लड लाइन का है, जायंट ब्लड लाइन है सबके सब। और आपका यहाँ पे जो दिखेगा सब गोडजिला बोले ब्लड लाइन है, गोडजिला बोल के बहुत फेमस, जिन लोग गोल्ड फिश काटते हैं उनको मालूम है। अच्छा, पूरा नाम बताइए सामने वाला का नाम। ये सामने वाला ये कैलिको है। अच्छा, ये कैलिको, ये भी कैलिको है। यहाँ पे बहुत सारे कैलिको का ही वैरायटी है, जैसे ये टेंचो है, ठीक है। अच्छा, प्राइस का अंदाज मिलेगा? प्राइस का अंदाज आप मान लीजिए पकड़ के चलिए 3500 से स्टार्टिंग है। 3500 से स्टार्टिंग। हाँ, हाँ, और बॉडी का साइज मिनिमम 4 इंच होगा, और ओनली बॉडी, और अगर पूरा टिप टू टेल होगा तो 5 इंच हो जाएगा। और एक दूसरा टैंक है इधर, तो इधर भी कुछ गोल्डफिश है, देखिए जंबो साइज का, ये ब्लैक ओरंडा गोडजिला बोलते हैं, गोडजिला ब्लड लाइन का है। और या टेल देखिए, इस टेल को ऑर्किड टेल बोलते हैं, इस टेल का कटिंग देखिए, इसको ऑर्किड टेल बोलते हैं, और जायंट ब्लड लाइन का है। अच्छा। और प्योर ब्लैक गोडजिला है ये, गोडजिला बहुत रेयर होता है, रेयर मिलता है हम लोगों का भी, और जेल से देख के आएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मैं कर दूंगा। ओके।
ठीक है। और ये वाला का नाम बताइए। ये किरिन और अंडा है, देखिए ये इसको एक बार दिखाइए, ये मैं सिलेक्टेड पीस लेकर आया, दिखाइए एक बार इसको। बहुत बहुत बड़ा होगा, यहाँ पे कोई सभी के सब जायंट ब्लड लाइन का मछली है और गॉडजिला है। ये थोड़ा कांचे से दिखाइए जो गोल्डफिश लवर को, क्वालिटी दिखाइए मछली को। क्वालिटी देखिए मछली का, क्वालिटी और अंडा का, सब ट्राई कलर और अंडा है इधर। ये देखिए मछली का क्वालिटी देखिए, इधर छोड़ूंगा ये जो टैंक में बोला था, मतलब ये जो नेट करा है इधर, हापा बोलते हैं, इसका अंदर में मैं छोड़ूंगा, ठीक है। ये देखिए क्वालिटी देखिए एक बार, ये वाला मछली का क्वालिटी देखिए, इतना अच्छा क्वालिटी का मछली है। ठीक है ये सब मछली इधर छोड़ूंगा। ये देखिए सब ट्राई कलर और अंडे का ब्रीडिंग होगा, अंडे का तो मौसम तो आ गया, अभी ब्रीडिंग सीजन चालू हो गया, ब्रीडिंग होगा ये सब मछली, कुछ दिनों के बाद ही ब्रीडिंग हो जाएगा ये सब मछली। देखिए पूंछ देखिए एक बार पानी के अंदर में, कितना अच्छा है देखिए ये मछली का पूंछ, टेल देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी का मछली है। ये देखिए दोस्तों ये मछली देखिए, ये सब मछली इधर ही है, मतलब इधर जाएगा। ये वाला मछली देखिए, इधर जो मछली में इसका अंदर में डाल दिया, सब मछली का साइज है लगभग 5-6 इंच तो हो जाएगा ही। ये वाला मछली का टेल देखिए एक बार, इतना अच्छा है देखिए सब मछली। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो बोलते हैं ना, इसको देखिए इतना छोटा और धमाका देखिए, इसका कलर देखिए कितना अच्छा से आए कलर खाना देने के बाद। इसका टेल देखिए एक बार, टेल देखिए ट्राई कलर और अंडा है। ये देखिए साइज देखिए, एकदम छोटा साइज, मतलब कलर देखिए, सब मछली इधर ब्रीडिंग हो जाएगा। ये सब मछली को खाना देते हैं हम लोग सुबह उठ के 9 बजे से शुरू, 3 टाइम्स खाना देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है सुबह 9 बजे से शुरू, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स खाना देते हैं हम लोग। और इवनिंग का टाइम में जो 4 बजे में और एक बार देते हैं, और दोपहर में भी खाना देते हैं हम लोग। ये देखिए क्वालिटी देखिए मछली का, सब मछली ब्रीडिंग होगा। ये मछली देखिए फिन देखिए मछली का, ठीक है, मछली का फिन देखिए एक बार, ये मछली को देखिए कितना अच्छा लग रहा है एक बार देखिए,
ये जो पूंछ देखिए एक बार, ब्लैक रेड वाइट थ्री कलर है, इसीलिए ट्राई कलर है, ट्राई कलर ओरेंडा। ये वाला मछली को देखिए, इसका जेली देखिए एक बार, इतना अच्छा है जेली, और भी बढ़ेगा ये जेली बढ़ने के बाद। ये जो आग देख रहे हैं, आग ढक जाएगा पूरा जेली से। ये देखिए ये वाला मछली देखिए, ये वाला मछली का भी जेली देखिए। ये वाला मछली का जेली देखिए, इतना क्यूट है मछली देखिए। ये देखिए मछली, ये मछली का क्वालिटी देखिए, अभी पॉटी कर रहा है। ये देखिए पॉटी चालू कर दिया। क्या रे, डर गया क्या? हाँ, ये देखिए ये साला खाता ही नहीं है खाना, पूरा सूखा हो गया। मतलब हड्डी में बहुत ही जोर है, मतलब इसका अंदर में बहुत ही जोर है। देखिए जोश देखिए एक बार, आठ साला लफाल जंप मार रहे हैं। देखिए ओए ये देखिए, अरे भाभी की ले पागल है ये।